शिवहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तीन पिस्टल के साथ अपराधी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। शिवहर पुलिस ने शिवहर पीएचसी में पदस्थापित डॉक्टर सुधीर कुमार से रंगदारी मांगने तथा उनको पर गोली चलाने वाले अपराधियों के हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन पिस्टल, दो मैगजीन और कई राउंड गोली भी बरामद किया गया। शिवहर पीएचसी में पदस्थापित डॉक्टर के ऊपर फायरिंग भी किया गया। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि डॉक्टर द्वारा अपराधी को रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई थी। इस बाबत घटना का प्राथमिक दर्ज होने के उपरांत एसपी डीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम द्वारा इस कांड को उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु शिवहर, सीतामढ़ी एवं मोतिहारी जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की गई तथा इस घटना में गोली चलाने वाले शूटर एवं लाइनर को भी भूमिका निभाने वाले सभी अपराध कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया। अपराध कर्मियों के गिरफ्तारी के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर 27 अगस्त को अपराध कर्मी गुड्डू सिंह उर्फ धीरज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय राम इकबाल सिंह साकिन धनहारा तथा श्यामपुर भटहा जिला शिवहर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पर उक्त घटना में शामिल अपराध कर्मियों के छिपने से संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई तथा आर्म्स एवं कारतूस बरामद किया गया। इस क्रम में इनके सहयोग करने वाले नागेंद्र पटेल के पुत्र विकास पटेल वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत शिवहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास डॉक्टर सुधीर के ऊपर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली की फायरिंग की गई थी और धमकी भी दी गई थी। उसके बाद फोन करके रंगदारी की मांग की गई थी 25 लाख की। तो ये एक बड़ा मामला था हमारे लिए। हमने शिवहर पुलिस की एक टीम एसआईटी गठित की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और इस पर लगातार काम कर रहे थे। इसी दरमियान हमें इसमें सफलता मिली है और उन अपराधियों में शामिल एक मुख्य अभियुक्त गुड्डू सिंह उर्फ धीरज कुमार सिंह को हथियार के साथ, आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके निशानदेही पर जहाँ पर हथियार रखते थे ये लोग और जहाँ पर इनका रहना होता था वहाँ छापेमारी की गई, वहाँ से भी हथियार बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर एक ऑटोमेटिक पिस्टल, दो देसी पिस्टल और दो मैगजीन और कुछ कारतूस, 6 कारतूस भी बरामद किया गया है। और इस की गिरफ्तारी से गुड्डू सिंह और धीरज सिंह की गिरफ्तारी, जो धनारा श्यामपुर भटा के हैं, इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है और इसमें शामिल इनके कई साथियों का भी पता चला है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इनके सहयोग करने वाले एक स्थानीय शिवहर के विकास पटेल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इनका सहयोग किए थे और लगातार इन लोगों के संपर्क में भी वो रहते थे, विभिन्न प्रकार से सहयोग करते थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये डॉक्टर के ऊपर जो गोली चलाने की और रंगदारी मांगने की घटना हुई थी, 25 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी और अभी रंगदारी नहीं देने पर इन्होंने मारने की भी धमकी कई बार दी थी उन्हें फोन करके। तो इस प्रकार से इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया है। गिरफ्तारी के लिए भी, अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है और हम लोग उसमें भी सफल होंगे। एक तरह से ये सफलता हमें पुलिस को